हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रिस्ट विद लॉ सम टाइम इन अ लाइफ, दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट केस ऑफ PIL, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एंड इट्स अ फाउंडेशनल केस, रिपेरेशन फॉर द इंजरीज सफर्ड इन द सर्विस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ICJ का दोस्तों टू टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। फर्स्ट इज व्हेन अ स्टेट ब्रिंग्स अ डिस्प्यूट अगेंस्ट द अदर स्टेट, एंड द सेकेंड इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, वेयर इन द ऑर्गन्स एंड एजेंसीज ऑफ UN सीक द एडवाइस ऑफ ICJ ऑन सम लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो इस केस में जनरल असेंबली ने एडवाइस सीक किया ICJ का कि सपोज, सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पीस कीपिंग। तो उसमें होता यह है कि यूनाइटेड नेशन बाकी मेंबर स्टेट से उनके आर्म्ड फोर्सेस को पूल करता है और किसी भी स्टेट में भेजता है वहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल कॉन्गो। तो इसमें इफ इन दैट कोर्स एन एजेंट सफर्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ इन दिस एग्जांपल कॉन्गो, तो क्या UN क्लेम कर सकता है? तो इस केस में UN विल क्लेम डैमेजेस फॉर द इंजरीज टू द एजेंट। इन जनरल जिस स्टेट का वो मतलब आर्म फोर्स था, वो उस पर्सनल था, वो स्टेट तो क्लेम कर सकता बिकॉज दैट स्टेट हैज इंटरनेशनल पर्सनालिटी। लेकिन क्या UN क्लेम कर सकता है, ये क्वेश्चन है इसमें। और अगर UN क्लेम कर सकता है तो ये बैलेंस रिकॉन्साइल कैसे करेंगे, क्योंकि स्टेट भी क्लेम कर रहा है, UN भी क्लेम कर रहा है। तो इस केस में दोस्तों कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन वेदर यूनाइटेड नेशंस हैज एन इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी और नो, तभी देन यू कैन सू और बी सूड बाय द अदर पर्सन। तो अब इस केस में कोर्ट ये देखता है कि चार्टर में कहीं साफ साफ तो ये लिखा नहीं है, बट देन इन द दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैचुटरी कंस्ट्रक्शन दैट देर इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीनरी पावर्स। तो आपके पास कोई भी फंक्शन या पावर दी गई है तो यू विल बी गिवन एवरी अदर अटेंडेंट पावर और अटेंडेंट नेसेसिटी सो दैट यू कैन एक्सरसाइज इट प्रॉपरली। तो कोर्ट अब ये देखेगा कि जो पावर या फंक्शन दी गई हैं ICJ को, यूनाइटेड नेशंस को, तो क्या उसके लिए इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जरूरी है। तो कोर्ट ये कहता है कि इट UN इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स, पीस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। इसके अलावा देर इज़ अ कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एंड द इम्यूनिटीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि बिटवीन मेंबर स्टेट्स वीजा वी यूनाइटेड नेशंस हैं। तो ऑल दिस रिक्वायर्स कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी दी जाए यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि इसके बिना वो फंक्शन इफेक्टिवली डिस्चार्ज नहीं हो सकते। उसके बाद दोस्तों एक और बात ये होती है कि जहाँ कहीं भी यूनाइटेड नेशन बना क्यों, तो अगर UN नहीं रहता तो जितने मेंबर स्टेट्स हैं मिलकर उस पर क्लेम करते, मिलकर उसको फोर्स करते, वो जो रिकैल्सिट्रेंट मेंबर स्टेट हैं कि यू फॉल इन लाइन एंड मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। उस जमाने में 50 स्टेट थे, आज के जमाने में 183 स्टेट्स हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 182 स्टेट्स मिलकर एक स्टेट के अगेंस्ट जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे अलायंसेस होते हैं, लोगों के अपनी ज़रूरतें होती हैं। आप ही एग्जांपल लीजिए, लेट्स से कोई कितने सारे स्टेट मिलकर US के अगेंस्ट केस करेंगे अगर UN नहीं रहता तो। तो इसलिए अब यूनाइटेड नेशंस अगर है तो इसकी ये पर्सनालिटी ज़रूरी है, क्योंकि सारे मिलकर तो कर नहीं सकते। अब इससे हमारा दूसरा केस भी आया कि ऑल दो अ स्टेट कैन ब्रिंग अ क्लेम अगेंस्ट द अदर पर्सन, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ श्रीलंका एंड चाइना। श्रीलंका इज सो मच इंडेटेड टू चाइना कि क्या श्रीलंका केस ला सकता है चाइना के अगेंस्ट? तो इसका मतलब अगर श्रीलंका का कोई आर्म फोर्स है और जो कि पीस कीपिंग में गया है, तो वो अच्छे से तो अपना ड्यूटी निभा नहीं पाएगा, बिकॉज उसको मालूम है कि अगर उसको कुछ हुआ तो हिज होम स्टेट विच इज श्रीलंका इन दिस केस विल नॉट ब्रिंग केस अगेंस्ट चाइना। तो इसलिए टू इंश्योर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग इन अंडर द यूनाइटेड नेशंस और एक अपने फुल कैलिबर के साथ काम करें, इसके लिए ज़रूरी है कि दे शुड हैव अंडर द बैक ऑफ देयर हेड कि चलो हमारे पीछे किसी कोई हमारा देखने के लिए है, एंड दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। तो इसलिए ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस इन सब के बदले क्लेम कर सके। दूसरी बात ये होती है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन है उसका क्या हुआ, कि स्टेट तो है अपना डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन क्लेम कर सकती है, बट देन कोर्ट सेज कि डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन के लिए ये कंडीशन है कि वो स्टेट क्लेम कर सकती दूसरे स्टेट के अगेंस्ट, और दूसरी कंडीशन ये है कि इट कैन ओनली बी क्लेम्ड अगेंस्ट द अदर पार्टी विच इज़ जो कि क्लेम ला सकती है, और ये इंटर स्टेट ही होता है। तो फिर दिस इज़ ऑल द मोर रीज़न कि क्यों यूनाइटेड नेशन क्लेम करें, क्योंकि अगर दूसरा स्टेट क्लेम करता है जिसका वो पर्सनल मेंबर था, सिटीजन था, तब तो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन आ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल द मोर रीज़न कि स्टेट की यूनाइटेड नेशन क्लेम करें। अब क्वेश्चन ये आता है क्लेम कितना करना चाहिए। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है कि आप एडिक्वेट क्लेम करेंगे जब भी अभी आपकी इंटरनेशनल राइट्स वायलेट हुई हैं। तो इस केस में भी यूनाइटेड नेशन भी एडिक्वेट क्लेम करेगा, और एडिक्वेट किस पैमाने पे? तो समथिंग सपोज वो विक्टिम को कितना, वो एजेंट और यूनाइटेड नेशंस को कितना लॉस हुआ, उसके कितने डिपेंडेंट हैं, कोई और अर्निंग मेंबर है या नहीं,
बट देन कोर्ट क्लैरिफाइज कि ये जो डैमेज है इट शुड बी सोली मतलब ड्यूरिंग द वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और जैसे या ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन या प्रॉपर्टी ऑफ यूनाइटेड नेशन है जो भी चीज़ का गार्जियन है यूनाइटेड नेशन उसको लॉस होना चाहिए. एंड देन कोर्ट क्लैरिफाइज कि जब हम ये कह रहे हैं तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन इज इक्वल टू स्टेट उतने ही राइट्स हैं या इट इज़ अ सुपर स्टेट. हम उनके राइट्स और उनके ड्यूटीज़ को स्टेट और यूएन को नहीं कंपेयर कर रहे हैं. हम बस बोल रहे हैं कि यूएन के पास भी पर्सनालिटी है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब स्टेट के साथ रिकनसाइल कैसे करेंगे क्योंकि स्टेट भी क्लेम कर सकता है. तो कोर्ट ये कहता है ठीक है दोनों पैरेलली क्लेम करेंगे स्टेट भी क्लेम करेगा यूएन भी क्लेम करेगा इसमें कोई दिक्कत है नहीं बिकॉज स्टेट विल क्लेम फॉर सम अदर पर्पज यूएन विल क्लेम कि उसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस को लॉस हुआ है यूनाइटेड नेशंस को अपने एजेंट को कुछ रिपेरेशन देने होंगे सो दैट जो बाकी एजेंट हो उनके मन में आए कि हाँ भाई हमें अच्छे से काम करना है. क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस हमारा ख्याल रखता है. और इसके बाद एक और क्वेश्चन ये आता है कोर्ट ये कहता है कि अब बाकी स्टेट तो करें तो ठीक है लेकिन ऐसा हो सकता है कि लेट्स से जो हमने एग्जांपल लिया कि कांगो में हमने पीस कीपिंग मिशन भेजा तो हो सकता है उस पीस कीपिंग मिशन में कांगो के ही कुछ सोल्जर्स होंगे तो अब अगर उसको कोई मतलब लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ कांगो गवर्नमेंट डी जूरी या डी फैक्टो किसी भी केस में तो अब इस केस में कांगो तो अपने खिलाफ क्लेम करेगी नहीं तो दिस इज ऑल द मोर रीजन क्यों यूनाइटेड नेशन को क्लेम करना चाहिए. अब दोस्तों एक और कन्फ्यूजन इसमें ये रहा कि इंटरनेशनल लॉ के सेटल प्रिंसिपल हैं कि यू आर बाउंड बाय द चार्टर दैट यू हैव साइंड और एक्सीडेड टू. तो जो लोग यूएन चार्टर को साइन किए हैं उनके खिलाफ तो आप क्लेम कर लो यूएन कर लेगी लेकिन जो लोग चार्टर को साइन नहीं किए उनका क्या होगा. तो कोर्ट ये कहता है कि दिस ऑल बॉयल्स डाउन टू कि जब यूएन इस्टेब्लिश हुआ था उस समय कुछ 48 या 50 नेशन ने बनाया था तो वेदर दे वॉन्टेड टू मेक इट अ पर्सनैलिटी जस्ट फॉर देयर इंटर से राइट्स एंड ड्यूटीज या इन जनरल से इंटरनेशनल पर्सनैलिटी कॉन्फर किए. तो कोर्ट ने ये कहा कि उसको ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है जस्ट नॉट द पीस एंड सिक्योरिटी बिटवीन मेंबर स्टेट्स. तो इसलिए इसके पास इंटरनेशनल पर्सनालिटी है और इसलिए इवन फॉर नॉन मेंबर्स इवन फॉर दोज विच आर स्टेट जो अभी स्टेट नहीं है या हो सकता है किसी को रिकग्नाइज डी जूरे किसी और को रिकग्नाइज किया और डी फैक्टो वहाँ पर कोई और गवर्नमेंट में हो तो सबके अगेंस्ट क्लेम लिया जा सकता है. तो दोस्तों ये था केस. आई होप इसमें यही बताया गया है कि कोर्ट रिपेयर कोर्ट डैमेज क्लेम कर सकता है फ्रॉम दोज हु आर मेंबर्स एज वेल एज दोज हु आर नॉन मेंबर्स और इसका स्टेट के क्लेम के साथ कोई संबंध नहीं है. वो लोग अपना पैरेलली क्लेम कर सकते हैं. तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा. कोई दिक्कत कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए केस के साथ. टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद आवर ट्रस्ट विद लॉ एंड बाय बाय.